नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप लोगों के सामने एक साइकिल दिखा रहे हैं जो लेडी साइकिल है। तो देखिए आप लोगों के लिए ला दिए हैं, कितना खूबसूरत एक साइकिल बना करके लाए हैं और इसमें काफी अच्छा खासा इसमें माइलेज भी दिया गया है और पूरे फीचर आप लोगों को आज बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आइए आप लोगों को सारे चीजें डिटेल में एक एक चीज करके दिखा के चलते हैं और उसके बारे में डिटेल बताते चलते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं सीट, काफी खूबसूरत सीट है इसमें। लेडीज साइकिल में जैसा होता है वैसे ही सीट रखा गया है, स्पेशली लेडीज लोगों के लिए है। उसके बाद चलते हैं बैटरी बॉक्स पर, देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बैटरी बॉक्स बनाया गया है। यहाँ देखिए ये बैटरी बॉक्स, यहां से यहां तक ये देखिए खूबसूरत बैटरी बॉक्स बनाया गया है। फ्रेम के हिसाब से इसको बना करके दिया गया है और चार्जिंग सर्किट देख सकते हैं इसमें इधर है। यहां देख सकते हैं ये चार्जिंग सॉकेट लगाया गया है। ये आप 36 वोल्ट के चार्जर आपको इस साइकिल के साथ मिल जाएगा। एक बार चार्ज करने के बाद ये बैटरी 30 किलोमीटर का माइलेज देगा और ये एक साल की वारंटी के साथ आएगा। ये बैटरी भी एक साल की वारंटी के साथ आएगा, 30 किलोमीटर का माइलेज है और काफी चीप प्राइस में है। इसके प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए तो सोनू वर्मा जी का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग एक बार प्राइस पूछना हो तो उनके नंबर से फोन या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, सारे चीजें दिखा देते हैं। सबसे पहले चलते हैं मोटर की तरफ, देख सकते हैं दोस्तों इसमें मोटर जो है 250 वाट का मोटर है और काफी जबरदस्त मोटर है, 36 वोल्ट में है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 36 वोल्ट में ये मोटर है और ये मल्टी स्पीड गियर में नहीं है, ये सिंगल स्पीड गियर में ये रखा गया है क्योंकि इसमें मल्टी स्पीड गियर का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलाना है, मोटर से चलाना है तो मल्टी स्पीड गियर का कोई मतलब नहीं होता है। ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को दिखा देते हैं, इसमें देख सकते हैं ये पावर ब्रेक इसमें लगाया गया है। और आगे चलते हैं तो आगे आप लोगों को जैसे कि बताए थे ये बैटरी बॉक्स है, देखिए काफी खूबसूरत बैटरी बॉक्स है। इसके अंदर बैटरी कंट्रोलर वगैरह सारे चीजें आ गया है, वायरिंग वगैरह सारे चीज इसके अंदर है, आपको बाहर से कुछ भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसके वायरिंग वगैरह अंदर डाला गया है। और आगे के चक्का में देख सकते हैं सुविधा के लिए ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, डिस्क ब्रेक। यहाँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, उधर से दिखा देते हैं। हाँ यहाँ देखिए इसमें डिस्क ब्रेक लगाया गया है, काफ़ी अच्छा ब्रेक है। और ये देख सकते हैं इसमें लेडी साइकिल में भी अब इसमें सस्पेंशन दिया गया है, काफ़ी अच्छा शॉकर है। आप लोगों को एक बार दबा के दिखा देते हैं, देखिए ये काफ़ी अच्छा काम भी करता है, शॉकर है। ठीक है, और उसके ऊपर आते हैं तो देख सकते हैं हेडलाइट, काफ़ी खूबसूरत हेडलाइट है और काफ़ी रोशनी भी करता है। ये देख सकते हैं ये हेडलाइट है और हॉर्न भी इसी के अंदर है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, हॉर्न इसके अंदर ही है, काफ़ी लाउड है। और ऊपर चलते हैं हैंडल पर तो देख सकते हैं दोनों साइड में, दोनों हाथों में इसका ऑटो कटअप ब्रेक है, यहाँ है, यहाँ है, ऑटो कटअप ब्रेक है। और सामने से दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ यहाँ थ्रोटल देखिए बैटरी इंडिकेशन के साथ है, बैटरी कितना आपका ख़त्म हुआ है ये सारी चीज़ें आपको ये पता चलता रहेगा। ठीक है, और ऑन ऑफ देख सकते हैं दो चाबी के साथ आता है। और इस हाथ में चलते हैं तो देख सकते हैं ये हेडलाइट ऑन ऑफ के स्विच है और नीचे वाला देख सकते हैं ये हॉर्न का स्विच है। तो सारे चीज़ें सारे सुविधा इस साइकिल में दिया गया है। और पीछे आते हैं तो पीछे कैरियर भी दिया गया है और पैडल से भी, जैसे बैटरी आपका ख़त्म हो गया है कहीं दूर निकल गए तो पैडल से भी इसको आप लोग चला सकते हैं। तो दिखा देते हैं पैडल से भी, देख रहे हैं इस तरह के पैडल से भी आप चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा माइलेज का साइकिल भी है। कॉलेज में पढ़ने वाली हो या स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये साइकिल है। तो
तो आप लोग एक बार संपर्क कर सकते हैं सोनू जी से, इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर किसी को बनवाना हो तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा दमदार साइकिल बनाते हैं सोनू जी, तो संपर्क जरूर कर सकते हैं। आप लोगों के रिप्लाई आप मैसेज करेंगे तो काफ़ी जल्दी वो रिप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो यहाँ नहीं समाप्त करेंगे, हम लोग चलेंगे इसको लेके, चला के भी दिखाएंगे आप लोगों को। स्पीड वाला स्पीड के लिए कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। यहाँ का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अब चलना है रोड पे चला के आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए अब रोड पर चलना है, थोड़ा चला के देखते हैं कैसा लगता है। जो चार्जर इस साइकिल के साथ मिलने वाला है, ये चार्जर को एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देख सकते हैं ये है ऊपर का चार्जर का, इस तरह का है जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए, यहाँ से ये चार्ज होगा और यहाँ प्लग में लगाने के लिए इस तरह का है। सारे इंडियन मॉडल का ही है और इसका स्पेसिफिकेशन आप लोगों को दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये है इसका चार्जर के स्पेसिफिकेशन, मॉडल है देख सकते हैं 42 वोल्ट और ये इसका एम्पियर देख सकते हैं 42 वोल्ट और 2 एम्पियर का। तो इस चार्जर से बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम 5 घंटे, 4 से 5 घंटा लगेगा इसको। और 4 से 5 घंटा चार्ज करने के बाद आपको 30 किलोमीटर का माइलेज इसमें मिल जाएगा। तो इस पे कुछ कंडीशन होता है, तो कंडीशन के बारे में बात कर लीजिएगा सोनू जी से। माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज लेना है तो किस तरह से चलाया जाता है, तो आप लोग बात करके समझ लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं रोड पे, चला के देखते हैं इसको। तेज चलाओ तुम। हाँ, हाई स्पीड।